अगली खबर जनपद नैनीताल की काला ढूंगी से आ रही है, जहां नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआ द्वारा काला ढूंगी में रविवार को एक बृहद दुग्ध उत्पादक ओरिएंटल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काला ढूंगी कोटाबाग क्षेत्र के लगभग 600 दुग्ध उत्पादकों द्वारा पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 113वें एपिसोड को सुना गया। साथ ही इस कार्यक्रम में वर्ष 2023 से 2024 का बोनस वितरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय खेतवाल ने बताया कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। सरकार की योजनाएं आम दुग्ध उत्पादक तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। आज हम लोगों के नैनीताल दुग्ध संघ के अंतर्गत जो काला ढूंगी क्षेत्र है वहाँ की 8 समितियाँ थी, उनके लिए एक बोनस वितरण कार्यक्रम रखा था नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा। क्योंकि नैनीताल दुग्ध संघ की जितनी भी समितियाँ हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और नियमित रूप से नैनीताल दुग्ध संघ अपने काश्तकारों को बोनस का वितरण करता है, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से काश्तकारों का जुड़ाव दुग्ध संघ से रहता है, उनमें उत्साह की भावना रहती है और जो पशुपालन का कार्य है वो उसको तेज़ी से कर रहे हैं। सरकार द्वारा भी हमारे काश्तकारों को आय बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनको साइलेज है, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन है, इसमें कई प्रकार की सब्सिडी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं हमारी सरकार द्वारा। हमारे माननीय मंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम लोग डेयरी का जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और नैनीताल दुग्ध संघ उसमें नंबर एक स्थान पर। आज जो नैनीताल दुग्ध संघ हर वर्ष अपनी 622 समितियों को बोनस बांटता है, उसकी हम कहीं कहीं कृष्ण जन्माष्टमी से शुरुआत करते हैं। पिछले वर्ष हमने धारी के कोकिल मना से उसको करा था और आज हमने इसकी शुरुआत काला ढूंगी क्षेत्र की 8 दुग्ध समितियों से कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर इसको करा है। तो अब हम नवंबर तक यानी कि 31 अक्टूबर दिवाली तक पूरे 615 समितियों में जाकर के बोनस वितरण करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नैनीताल दुग्ध संघ ने पिछले वर्ष से भी अधिक लाभार्जित करा है और उसमें जो 1,51,00,000 रुपये बोनस हम बांटते थे, माननीय मंत्री सौरभ अगुणा जी ने कहा कि भाई आप केवल दुग्ध उत्पादक की चिंता पहले करिए, तो उसमें पहली बार ये हुआ है 75 साल के इतिहास में कि हमने 50 लाख रुपए अधिक दुग्ध मूल्य अंतर बांटते हुए 2,01,00,000 रुपए इस वर्ष बांटने का निर्णय लिया है। ये एक दुग्ध संघ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा, जो सरकार से प्रोत्साहन इत्यादि की राशि मिली है वो पूरी हमको जारी हो गई है, उसके लिए मैं अपने दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अगुणा जी का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि प्रदेश के 53,000 उत्पादकों को उन्होंने 14 करोड़ रुपये की सौगात भी दी है।